शुरू करते हैं उसी बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, जो हमारे दिलों के राज खूब जानने वाला है, और उसी की तरफ लौट के जाना है। दोस्तों, मैं जाहिद रफ़ीक और मेरी तरफ़ से आप दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे और आप दोस्तों के मिजाज बिल्कुल अच्छे और ठीक होंगे। आपको हमेशा खूबसूरत और नीली बार के जानवर दिखाए जाते हैं माशाल्लाह से। आज जो भैंस आपको दिखाई जा रही है, तीसरा सुबह सोने के लिए बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। अच्छा हवाना बनाए हुए है और बिल्कुल मुनासिब कीमत है। आरफ बारा हमारी लोकेशन है, हमारी लोकेशन पे आके आप जानवर को देख सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं। तसल्ली करने के बाद जानवर लेके जा सकते हैं। हम हमेशा अच्छे जानवर और ख़ूबसूरत और तसल्ली वाले आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। भैंस की जो गर्दन की लंबाई और माशाल्लाह चेहरा देखिए कितना छोटा सा है और बिल्कुल आगे से बिल्कुल बारीक है और बेहतरीन, और दुन्नी बिल्कुल नहीं है, कोली बिल्कुल नहीं है, और पीछे से देखिए माशाल्लाह चौड़ी भैंस है और कीमत इसकी बिल्कुल मुनासिब है दोस्तों। लेने वाली है ग्वाल वाली कोई भी दोस्त तीसरे सुबह की ये भैंस लेने के लिए हमें राबता कर सकता है। राबता नंबर ऊपर चल रहा होगा 03136946357 03-313-76-356-357। माशाल्लाह पीछे से लेके आगे तक हवाना कैसा खूबसूरत माशाल्लाह। चला फरा के भी आपको दिखा रहे हैं अच्छे पुट्ठे की माशाल्लाह से। ये भैंस है बेहतरीन जानवर, खूबसूरत क्वालिटी वाली ये भैंस, गर्दन की लंबाई, चेहरा और बड़ी अच्छी ये नस्ल जो माशाल्लाह से चेहरा बिल्कुल बारीक और छोटा सा, और गर्दन की लंबाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, और ऊपर से पुट्ठा देखें और हड्डी भी देखें, एक हड्डी की ये मालक और बारीक चमड़ी। दोस्तों, ये होता है मियार नीली बार का, और दुम देखें कितनी बारीक और ज़मीन के साथ कैसे लग रही है। ये मियार है नीली बार का हमारे इलाके का, और इसकी कीमत बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब कीमत रखेंगे इसकी, और कीमत इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाख फ़ाइनल होगी। किसी भी दोस्त को ये जानवर पसंद आए तो 3 लाख में ये भैंस आपको मिलेगी। और माशाल्लाह तीसरा सुबह, लोकेशन आरफ वाला, राबता नंबर ऊपर चल रहा होगा। कद्दोकामत आप देख रहे हैं, कद्दोकामत आप देख रहे हैं, और लंबाई चौड़ाई भी देख रहे हैं, और माशाल्लाह से आँखें कैसे चमक रही हैं वो भी आप देख रहे हैं, और खाने वाले इसकी वक्की, और पीछे से हवाना देखें, और थान माशाल्लाह कितने खूबसूरत हाथों में आने वाले, बिल्कुल बेहतरीन थान जो कि आप वीडियो में बखूबी देख रहे हैं, और थनों का फासला भी देख रहे हैं। सारी चीज़ें आपको वाजा करके दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं ताकि आप दोस्तों को किसी किस्म का कोई मसला, कोई डाउट ना पैदा हो जानवर के मतलब। जानवर हमेशा साफ़ सुथरा आपको दिखाया जाता है, किसी किस्म का फॉल्ट नहीं होता जानवर में। अगर कोई मसला मिसाल हो तो हम आपको पहले बताते हैं। माशाल्लाह पीछे की तरफ देखिए हवाना कैसे और आगे तक जा रहा है। अभी इसने 10 से 15 दिन ले लें, 10 से 15 दिन सोने में लेने हैं, और 10 से 15 दिन में ये मज़ीद हवाना बना लेगी। दोस्तों, अभी कॉल करें, अभी हासिल करें, बिल्कुल मुनासिब कीमत 3 लाख रुपये। आजकल जो भैंसें हैं उनका रेट, बेशक मौसम का मौसम भी है, लेकिन उसके लिहाज से भी रेट इस तरह के जानवर आप मंडियों में अगर देखेंगे तो 8-8 लाख रुपये डिमांड करते हैं। हम आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत बता रहे हैं और बिल्कुल खूबसूरत जानवर जो कि आप दोस्तों को वीडियो में बिल्कुल अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसमें बिल्कुल कोई कमी पेशी नहीं है, किसी किस्म की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। माशाल्लाह हवाना जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है वैसे ही है, बिल्कुल जानवर, आंखें बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल इसी तरह का जानवर है। कोई फॉल्ट, कोई मसला नहीं है जानवर में, आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपको खूबसूरत जानवर दिखाते हैं। और दोस्तों, जानवर हासिल करने के लिए हमारे पास पहुँचें और हमारे पास आएँ, आपको हमेशा खूबसूरत जानवर दिखाते हैं, इसी तरह एक जानवर मज़ीद आपको दिखाते रहेंगे। आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं, आप वीडियो देखते हैं और कोशिश किया करें कि दोस्तों में ज़रूर जो है वीडियो शेयर किया करें, ताकि जो दोस्त लेने वाले जानवर हैं, जानवर लेने वाले हैं, वो हमारी वीडियो देखकर या नंबर ऊपर जो दर्ज होता है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जानवर हासिल कर लें। इंशाल्लाह नई वीडियो में इसी तरह के जानवर के साथ फिर हाजिरी होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त अल्लाह ताला आप दोस्तों का और हमारा हामियों नासरों, जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशो खुरम रहें, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।